अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नई जॉब लेके आई हूं जो कि FIA जॉब्स 2022 है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में नई जॉब आई है जिसकी 499 पोजीशंस हैं, यानी कि 500 के करीब इसकी पोजीशंस आई हैं। इसकी लास्ट जो डेडलाइन है वो है 22 अगस्त। ठीक है, चलें जी इसको ओपन करके देखते हैं। इसकी फुल डिटेल्स वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। FIA जॉब 2022 फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अप्लाई, इसका क्या होना है, ऑनलाइन अप्लाई होना है। इसमें आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो डेडलाइन है इसकी है 24 जुलाई को ये जॉब्स आई थी। हम ऊपर करते हैं ताकि इसकी डिटेल्स देखें जी। कंट्री है इसमें पाकिस्तान, ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पोस्टेड ऑन 24 जुलाई 2022। ठीक है, 24 जुलाई को ये जॉब अनाउंस हुई थी। क्वालिफिकेशन इसके लिए कौन से चाहिए, बैचलर्स टू प्राइमरी चाहिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, 499, यानी कि 499 पोस्ट हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। एप्लीकेशन की डेडलाइन कौन सी है, यानी कि किस तारीख तक आप लोग अपने फॉर्म जमा करवा सकते हैं, वो है 24 अगस्त तक। और आज जो है वो 2 अगस्त है, अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं, आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी पोजीशन है वो देख लेते हैं। पोजीशन अनाउंस्ड है असिस्टेंट की है, BS 15 ग्रेड की जॉब है, ये UDC की है 11 ग्रेड की जॉब है, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है, डिस्पैच राइडर की है, स्टेनोटाइपिस्ट की है, कॉन्स्टेबल की है, नैब कासद की है, चौकीदार की है और स्टाफ कार ड्राइवर की है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का क्या है, वो है टू अप्लाई फॉर द लिस्टेड FIA जॉब्स यू नीड टू फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी कि जिन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है उसके हिसाब से आपने इसको फुलफिल करना है। दी फिज़िकल टेस्ट इसका कैसे होगा, 1 माइल डिस्टेंस इन 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स, यानी कि आपने 7 मिनट्स में 1 मील का आपने फासला जो है वो तय करना है, दौड़ के दौड़ लगानी है इसमें। ठीक है, रनिंग करनी है। जो मेल के लिए है वो है 7 मिनट का और जो फीमेल के लिए उसका 10 मिनट्स का है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फिज़िकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यानी कि उसमें हाइट का क्या हिसाब है। जो मेल के लिए हाइट जो 5'6" चाहिए, यानी कि 5 और 6 इंच, 5 फुट 6 इंच, और जो फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच की हाइट चाहिए। उससे जो कम होंगी वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वो अनएलिजिबल हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं वो कौन सी हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान कैन अप्लाई फॉर FIA जॉब, यानी कि पूरे पाकिस्तान से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स फॉर अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट ज़्यादा जो है वो 30 ईयर्स की होती है जी। जो इसमें एज रिलैक्सेशन है वो भी मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन जो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर कंसीडर्ड है, यानी कि आपने सिर्फ ऑनलाइन ही जमा करवाने हैं, इनको आपने NTS नहीं करनी है, इनके दफ्तर में नहीं पहुंचाने, सिर्फ ऑनलाइन जो आपने फॉर्म होंगे वही एक्सेप्टेबल होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, जो जॉब के बाद पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी जो पोस्टिंग है वो किसी भी पाकिस्तान में के एरिया में लग सकती है, नहीं कि वो जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं सिर्फ उसी शहर में उसकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, वो कहीं भी लग सकती है, अगर वो फैसलाबाद में रहता है तो उसकी लाहौर भी लग सकती है, कराची में भी या किसी और शहर में भी लग सकती है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग CNSE टू द टेस्ट सेंटर, टेस्ट जब आप लोगों ने देने के लिए जाना है तो वहाँ भी अपना CNSE साथ लेके जाना है, अपने शिनाख्ती कार्ड साथ लेके जाना है। द एप्लीकेशन प्रोसीजर इज़ ऑनलाइन, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो ऑनलाइन सारा प्रोसीजर होगा। द टेस्ट डेट विल बी अनाउंस्ड थ्रू द SMS, ठीक है, आपने जो नंबर प्रोवाइड करना है फॉर्म फिल करने के दौरान, तो उस नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा जब आपका टेस्ट होगा। नो टाडा विल बी ग्रांटेड। उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन कौन सी है, यानी कि जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 24 अगस्त 2022, यानी कि 24 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। दी एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन, कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल पोर्टल गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो उन्होंने यहाँ पे नीचे लिंक दे दिया हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, जी ये देखिए आपका यहाँ भी देखिए डिफरेंट आपके कैटेगरीज बनी हुई हैं यहाँ पे, जिस पे आप लोगों ने अप्लाई करना है वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर आगे से फॉर्म फिल कर देंगे। यहाँ पे असिस्टेंट का है,
बेसिक स्केल एक है, टोटल वैकेंसी एक है, नैब का की 14 वैकेंसीज हैं, सब इंस्पेक्टर की 55 हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की 3 हैं, यूडीसी की 5 हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 30 हैं, कॉन्स्टेबल की 385 है, स्टाफ कार ड्राइवर की 3 हैं, डिस्पैच राइडर की 1 है, चौकीदार की 2 हैं। इस पर आपने सब पे जिस पे भी करना है उसके ऊपर आपने टिक करना है, क्लिक करके तो उसको आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे सब इंस्पेक्टर के ऊपर मैं ओपन करती हूँ, तो ओपन करेंगे तो आपका आगे से फॉर्म निकल आएगा, तो आपने उसका फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखिए हैज इनिशिएट क्रैकडाउन अगेंस्ट वुमेन स्ट्रगल, यहाँ पे आपको सारा बता दिया गया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।